सब्सक्राइब करें अरीबा किचन को। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटी कुरकुरी क्रिस्पी पकौड़ी बनाने वाले हैं। तो वो हैं पत्ता गोभी की पकौड़े। तो ये मैंने पत्ता गोभी ली है, देख सकते हैं आप। और ये दो मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है। तो मुझे लच्छेदार पकौड़ियाँ बनाना है, तो मैं इसके लिए लच्छेदार की तरह इसे कट कर लूँगी, लच्छे की तरह। तो देख सकते हैं इसे मैं कट कर लेती हूँ। पहले यहाँ से कट कर लेती हूँ, इसको हटा देना है। और मैं देखिए, मैंने पत्ता गोभी को लच्छेदार काट लिया है, बहुत अच्छे से ही कट चुका है। इसे एक साइड कर देते हैं। अब प्याज को हम काट लेते हैं लच्छे के आकार में। तो देखिए फ्रेंड, हम प्याज को काट लेते हैं लच्छे की तरह काटेंगे। इस तरीके से काटेंगे, सारे प्याज को काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मैंने प्याज को भी लच्छे की तरह काट लिया है, आप देख सकते हैं। इसको एक साइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, और बाउल में मैं ऐड कर देती हूँ पत्ता गोभी और प्याज, और साथ में डालूंगी मैं एक कप बेसन। तो यहाँ मैं 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालूंगी। मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, ऐसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आधा चम्मच डालूंगी नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। और आधा चम्मच यहाँ डाल देती हूँ अजवाइन, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो आधा चम्मच यहाँ लाल मिर्च, और यहाँ एक हरी मिर्च कटी हुई, और कुछ धनिये की पत्तियाँ। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स, एक फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं। तो देखिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी, और अच्छे से इसे एक फिलिंग तैयार कर लूंगी। इसे हाथ से कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। प्याज ने पानी भी छोड़ रखा है, अब पानी नहीं डालना है। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ, इसे छोटे छोटे ऐसे बॉल से लेकर और इसे तल लेंगे। अगर कम लग रहा है बेसन तो हम थोड़ा और डाल सकते हैं, क्योंकि पानी प्याज ने अच्छे छोड़ रखा है, इसलिए हम थोड़ा इसमें बेसन 2 चम्मच करीब बेसन और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा बेसन और 2 चम्मच और ऐड कर दिया है, और बहुत अच्छे से ये बिल्कुल सेट हो चुका है। देखिए बहुत अच्छा सा बन गया है। अब इसको फ्राई कर लेते हैं छोटे छोटे बॉल्स बनाकर। हमारा बैटर बिल्कुल ये रेडी है, इसे हम चलते हैं अब गैस की तरफ। तो फ्रेंड देखिए, हमने पैन में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए फ्रेंड, हमारा तेल बहुत अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं पकौड़े, पत्ता गोभी के बहुत ही टेस्टी मज़ेदार पकौड़े। तो देखिए इस तरीके से मुझे डालना है, एक एक करके छोड़ते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से इसे
तलना है गोल्डन ब्राउन होने तक। तल रहे हैं, इसे पलट लेते हैं। खूब अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी ये, और आप इसी रमज़ान में तो स्पेशल बनाइएगा। और बहुत ही टेस्टी डिश है ये, और ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं आप। रमज़ानों की तो स्पेशल डिश है ये। पत्ता को भी जिन लोगों को नहीं पसंद है वो उस तरीके से पकौड़े बनाकर खा सकता है। गैस को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। और पलटते जाएंगे, उलटते पलटते इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेते हैं। देखिए हम जो हमारा बचा हुआ है वो भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड हमारी ये भी बन चुकी है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और गैस को कर देते हैं बंद। और इसे डिसार्ड में एक ट्रे में सर्विंग ट्रे में रख लेते हैं। देखिए हमारी पत्ता गोभी की पकौड़ी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप सी सॉस के साथ खा सकते हैं और ग्रीन सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही क्रिस्पी बनी है, आपको हम दिखा देते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए कितनी अच्छे से बनी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनी है। तो फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।